अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर आ गया हूँ नए ब्लॉग के साथ। सेहतमंद रहने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और स्पोर्ट्स के लिए जो है हमने जो आज एक जगह का इंतखाब करा है, नाजमाबाद नंबर 4 हादी मार्केट 2C45 के अंदर इस वक्त कराटे हो रहे हैं सिन स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से, और ये फाइनल है इकबाल डे की मुनासिबत से। तो आइए आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करते हैं। जी हमारी हम सफ़र कैसा लग रहा है आपको? ये नहीं माशाल्लाह से, ये जैसे आपने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है, स्पोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं, इनमें एक कराटे भी है माशाल्लाह से, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों के चोटें भी लग रही हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ये तो लाजमी होनी चाहिए। ये सुहेल भाई हैं और ये भी कराटे देखने के लिए आए हैं, और इनसे पूछते हैं, इनका भाई भी मुकाबले में हिस्सा ले रहा है, कैसा लग रहा है सुहेल भाई आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत कम हैं, बाहर हमारे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और आपका छोटा भाई भी क्या कहते हैं इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा है फाइनल में? जी 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 बिल्कुल, इंशाल्लाह जीतेगा वो मुकाबले में इंशाल्लाह। और ये होनी चाहिए, नाजमाबाद में तो वैसे ही स्पोर्ट्स ख़त्म हो चुका है पूरा, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है मामला स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स इधर बहुत कम है, बहुत कम है ना जी। अभी इंशाल्लाह देखें जीतेगा वो, हमारे मुल्क का नाम रोशन नाजमाबाद। We'll be right back.
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी ये बताएं कैसा रहा ये एक्टिविटी जो है? जी माशाल्लाह मुबशिर हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, काफ़ी अच्छे से जाते के फ़ौज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी कराते हैं, सिम स्पोर्ट बोर्ड में भी कराते हैं। माशाल्लाह यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि क्वालिफाइड कोच भी हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के, सीनियर रेफरी भी हैं हमारे, इंटरनेशनल रूल्स सारे जानते हैं ये, तो बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनसे फ़ायदा उठाएं। और आज जो खुसूसी अल्लामा इकबाल डे के हवाले से इन्होंने इवेंट कराया, इन्होंने स्पेशली कहा था कि आपने आना है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे नाज़माबाद के मुबशिर भाई, और आप उनसे पूछते हैं कि कैसा इवेंट रहा इनका? जी सर बताएँ। बहुत ज़बरदस्त रहा इकबाल डे के ऊपर जो है, हमें जो ऊपर से अथॉरिटी से ऑर्डर मिला था कि आपने जल्द अज जल्द एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है, तो हम लोगों ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया, और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं, उन्होंने फाइट में और काता के अंदर हर एक में जो है दिलचस्पी ली और पार्टिसिपेशन हिस्सा लिया, और बहुत अच्छा इवेंट रहा आज का। तो बोले हमारे जो है चेयरमैन जो है सिंध कराटे वो भी आ गए, तो उसके चार चांद लग गए इसी प्रोग्राम। और ये तो बताएं हमारे इलाके के लोग जो अगर इधर आना चाहें तो किस साइड पर आएं, क्या है? ये चार नंबर नाजमाबाद में है, ये अनुबाई पार्क के पास है, आइडियल ये जो नया प्लाजा बन रहा है उसमें जो इसके करीब है बिल्कुल, और अपॉर्चुनिटी ये लास्ट 30 साल से जो यहाँ पर अकेडमी चल रही है, और इसमें ये समझे कि मैंने यहाँ से भी सीखा, सिंध स्पोर्ट बोर्ड से सीखा, फिर आगे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग गए, और यहाँ बच्चे जो है तकरीबन नाजमाबाद 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बच्चे यहाँ पर आते हैं और नेशनल लेवल तक खेले हैं, बहुत अच्छे मतलब अब अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए सीखे। शुक्रिया बहुत बहुत मुबशिर, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, खासतौर पर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा।